हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे व्रत के लिए दो अलग अलग तरीके की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, एक ऑयली और एक बिल्कुल जीरो ऑयल की। ना आपको आलू उबालना है, ना आपको यहाँ बहुत ज़्यादा काम करना है। फटाफट आप दो आलू छीलें और उन्हें कद्दूकस से ग्रेट कर लें। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आपको ये रेसिपी या इन दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून घी। जैसे घी गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम जीरा एक टीस्पून और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम अदरक ग्रेट की हुई और इसको हल्का सा भून लेंगे। हरी मिर्च अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक टमाटर लिया है मैंने जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है और एक शिमला मिर्च ली है जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है बारीक बारीक। आप जो सब्जियाँ खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं खाते हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हैं उन्हें डाल देंगे। आलूओं को अच्छे से पानी में दो बार धो लें, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये नाश्ता दो बूंद तेल से बना के, दो बूंद घी से बना के तैयार कर सकते हैं आप। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली खाने की ज़रूरत नहीं है आपको और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। फिर इसमें हम डालेंगे पानी, तो इसमें मैं डालूंगी पानी लगभग दो कटोरी। तो दो कटोरी मैंने पानी डाल दिया है इसमें। और अब इसमें नमक डालेंगे व्रत वाला टेस्ट के हिसाब से, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे ढेर सारा। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है हमारे नाश्ते में जो हम बनाएंगे। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दें आप थोड़ा सा, और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं समा के जो चावल होते हैं उनको मैंने मिक्सी में चला लिया है, यानी कि समक के चावल का आटा ले लिया है। मार्केट में मिल भी जाता होगा लेकिन मैंने घर पे ही तैयार कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कटोरी आटे में दो कटोरी पानी लिया है और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे जब हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और आटे को बाइंडिंग भी मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता, ये रेसिपी व्रत की बनके तैयार होती है। तो व्रत में 9 दिन तक एक जैसा खाना खा के बोर होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे से चेंजेस करके आप अलग अलग तरीके का खाना बना के तैयार कर सकते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, पैन छोड़ने लग जाएगा, तब हम फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया डो बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक थाली को ग्रीस कर लेंगे और जैसे आप बर्फी जमाते हैं उस तरीके से इसे डाल के लगभग 20 से 30 मिनट तक पंखे के नीचे छोड़ देंगे। ये ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो मोटी या पतली लेयर आप बना सकते हैं, ज़्यादा मोटी लेयर भी हमें नहीं बनानी है और ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है। अगर आप यहाँ पे चाहें, जहाँ पे मैंने पानी ऐड किया था आलूओं में वहाँ पे आप लस्सी ऐड कर सकते हैं, यानी मट्ठा लस्सी सीत जो भी कहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें चावल का आटा ऐड करें आप तो इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा और स्पाइसी नाश्ता आपका तैयार होगा। 20 से 30 मिनट में आपका ये डो ठंडा हो जाता है। इसे पीसेस में कट कर लेंगे हम इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये देख सकते हैं पीसेस हमारे कट हो रहे हैं। इसे आप स्क्वायर कट करें, ट्राइंगल कट करें, तो मैं यहाँ ट्राइंगल कट कर रही हूँ। और आप तवे को अच्छे से गर्म करेंगे और उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर सारे के सारे पीसेस इस पर हम इस तरीके से रख देंगे। तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैं लो पे सेट कर लूँगी ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो सके, और फिर इन्हें हम अच्छे से रख देंगे, उलट पलट के इन्हें क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम घी से बनके नाश्ता तैयार होता है और एक डिफरेंट, एक अलग टेस्ट मिल जाता है आपको। साथ में मैंने बनाई है टमाटर और हरी मिर्च की चटनी। तो चलिए बनाते हैं अपना अगला बहुत ही टेस्टी नाश्ता, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आलू की कचौड़ी। बहुत ही बढ़िया बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं और टेस्ट बहुत बढ़िया। साथ में बनाएंगे हम यहाँ पे हरे धनिए की चटनी। तो हरी मिर्च ले लेंगे, हरा धनिया ले लेंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसको इसमें नमक डाल के थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और पीस लेंगे। थोड़ी सी लस्सी डालेंगे ताकि इसमें जो खटास है वो भी आ जाए। बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी बनके तैयार है, ग्रीन स्पाइसी,
तो चटनी तो तैयार है, चलिए बनाते हैं आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी। तो ये आलू ले लिए हैं मैंने, 7-8 आलू हैं बॉईल कर लिए हैं, और अब इसमें धनिया डाल दिया है हरा कटा हुआ, हरी मिर्च डाल दी है, जीरा डाल दिया है, और व्रत वाला नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे इसमें, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे यानी फोड़ लेंगे इस तरीके से, तो इसमें लम्स ना रहें। चाहे आप पहले आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप हाथ से नहीं फोड़ सकते हैं तो आलूओं को ग्रेट करें या फोड़ें, जो भी करें आलू ठंडे होने के बाद ही करें, नहीं तो ये जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सिंघाड़े का आटा। आटे दो होते हैं व्रत वाले, एक सिंघाड़े का होता है, कुट्टू का होता है, तो मैं यहाँ सिंघाड़े का आटा यूज कर रही हूँ, उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार होंगी। तो डो लगा लेंगे हम, तो लगभग 100 ग्राम मैंने ये सिंघाड़े का आटा लिया था जिसमें थोड़ा सा बच गया है। मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो अब हम एक लोई लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी उसे प्रेस करके बढ़ा सकते हैं, बेलन मारना चाहें तो आराम से बेल सकते हैं, बिल्कुल फटने वाली नहीं, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती हैं। अगर फट जाती है इस तरीके से तो आप इसको बराबर की शेप देने के लिए किसी कटोरी से या किसी ग्लासी से इसको कट कर लेंगे, ताकि सारी की सारी कचौड़ियाँ हमारी एक ही शेप में बनके तैयार हों। तो कचौड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, अब इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल को ऐसे मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे, फिर एक एक कचौड़ी इसमें डाल देंगे, और डालते ही इन्हें हमें टच नहीं करना है, लगभग 1 मिनट तक लो फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें कुक होने देंगे, फिर अच्छे से ये फूल जाएंगी और बहुत ही बढ़िया फूली फूली सी हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार होंगी। तो कचौड़ियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन हो चुकी हैं, अब इन्हें निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी हमारी कचौड़ियाँ तैयार हैं, साथ में स्पाइसी ग्रीन चटनी